नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पोस्ट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि पीपीसी है ना, प्रोडक्शन कर्व जो था हमारा, वो पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम देखने जा रहे हैं डिमांड थ्योरी। डिमांड और सप्लाई दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके आगे चलकर काम आएंगे। तो देखते हैं कि डिमांड थ्योरी क्या है। तो इससे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या है। डिमांड या मांग क्या होती है? डिमांड, देखो डिमांड क्या होती है कि एक दो चीजों में फर्क करना सीखो पहले। तो एक तो होती है विश और एक होती है डिमांड। विश या डिजायर, इच्छा और मांग में क्या फर्क है? देखो आज मेरी सैलरी है 20,000 रुपये, मान लेते हैं मेरी सैलरी है 20,000 रुपये। इस सैलरी के अंदर मेरी इच्छा है कि मैं एक कार लाऊं, ऑडी, जिसकी लगभग कीमत है 50 लाख रुपीस। मेरी इच्छा क्या है कि मैं 50 लाख रुपए की कार लेके आऊं और मेरी सैलरी है 20,000 रुपये। आप बताइए कि क्या मैं सक्षम हूं क्या, कि 20,000 रुपए की सैलरी के साथ मैं 50 लाख की गाड़ी लाने के लिए सक्षम हूं क्या मैं? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। तो ये मांग नहीं होती, इसको बोलते हैं इच्छा। इच्छा आदमी की बहुत सी चीजों की होती है, लेकिन वो मांग हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर मांग क्या होती है? मांग के लिए दो तीन बातें जरूरी है आपकी। आप तो क्या, एक तो क्या होनी चाहिए आपकी, इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, उस चीज को खरीद सको, यानी कि आप खरीदने में क्या हो, सक्षम हो, आप उसको एबल हो खरीदने के अंदर। पहली बात तो ये। अब मान लेते हैं कि मेरी सैलरी 20,000 रुपये है और मैं एक आल्टो गाड़ी खरीदने के लिए सक्षम हूं, तो क्या ये मांग है? नहीं, ये भी मांग नहीं है। क्यों नहीं मांग है? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मेरी इच्छा भी होनी चाहिए, एबिलिटी, सक्षम हूं मैं, सक्षम होना चाहिए, प्लस मेरी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। एक कंज्यूमर अगर क्या है, तैयार है पैसा खर्च करने के लिए उस कमोडिटी पर, उस पर्टिकुलर कमोडिटी पर पैसा लगाने के लिए, अगर वो तैयार है, तब जाकर वो क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। तो आप क्या समझे, एक तो क्या होना चाहिए, सिर्फ आप सोच लेते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो मांग नहीं है, वो डिजायर है आपकी। मांग क्या होती है कि जब आपकी इनकम इतनी है कि आप उस चीज को खरीद सको, प्लस आप उस चीज को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, एबिलिटी प्लस इच्छा, अगर ये दोनों बातें मिल जाएं तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी मांग, या जिसको अपने कहते हैं डिमांड। तो आपको समझ में आया होगा कि डिमांड क्या होता है। अब इसके बाद में देखिए एक दो चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि फिर बाद में परेशान करेगी ये चीजें। डिमांड के बाद में दो चीजें आती है, देखो एक तो होती है क्वांटिटी क्या होती है, एक तो होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी और क्वांटिटी डिमांडेड दो अलग अलग थ्योरी हैं ये। तो इनके अंदर फर्क क्या है, देखिए क्वांटिटी क्या होती है कोई चीज की, क्वांटिटी जब कहलाएगी जब आप क्या हो, किसी भी प्राइस पर कोई चीज लेने को तैयार हो, क्या, किसी भी प्राइस पर यदि आप चीज लेने के लिए तैयार हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी, लेने के लिए तैयार हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी कहलाएगी, किसी भी कीमत पर। यानी कि ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब या तो क्या हो जाती है आपकी इनकम बढ़ जाती है। और भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताऊंगा आपको मैं, कि डिमांड को डिसाइड करने के फैक्टर होते हैं कुछ, उन फैक्टर को बताऊंगा कि उन फैक्टर से जो डिमांड अपनी डिसाइड होती है कि मार्केट में किस चीज की कितनी डिमांड है, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं इनकम लेता हूं, तो अगर आदमी की क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी,
मान लेते हैं कि पहले 10 रुपए की चीज थी और मैं 2 यूनिट खरीदता था, समझ में आई बात, 10 रुपए की चीज थी मैं 2 यूनिट खरीदता था, आज मेरी डिमांड सॉरी आज मेरी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मैं उसी दस रुपए पर मैं क्या करने को तैयार हूं या मैं खरीदने को तैयार हूं, कितनी यूनिट, 5 यूनिट खरीदने को तैयार हूं। तो इस स्थिति में इनको क्या बोलेंगे, ये क्या होती है हमारी डिमांड होती है, सॉरी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड वो चीज है कि जब आप क्या हो, एक पर्टिकुलर प्राइस पर चीज लेने को तैयार हो, किस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक निश्चित प्राइस के ऊपर ही आप लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या कि मान लीजिए पहले 10 रुपए की चीज थी और मैं 2 यूनिट खरीदता था, 10 रुपए की चीज थी मैं कितनी खरीदता था, 2 यूनिट खरीदता था, और अब वो चीज क्या हो जाती है, 8 रुपए की हो जाती है, तो मैं 4 यूनिट खरीद लेता हूं उसकी। जब वो चीज 10 रुपए की थी तो मैं 2 यूनिट खरीदता था, और अब वो चीज क्या हो जाती है, अगर 8 रुपए की हो जाती है तो मैं कितनी यूनिट खरीद लेता हूं उसकी, 4 यूनिट खरीद लेता हूं। यानी कि पर्टिकुलर प्राइस अगर घटेगा तो ही मैं और खरीदूंगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो ही मैं कम खरीदूंगा। यानी कि ये जो डिपेंड करती है, कहीं पर डिपेंड करती है, प्राइस पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर ऐसा होगा, क्या कैसा, कि अगर प्राइस के अंदर बदलाव होगा, ओनली प्राइस, एक डिमांड को निर्धारित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि आदमी की इनकम होती है। देखो सबसे बड़ी चीज तो क्या है, आदमी की इनकम होती है, उसके बाद में उस चीज का प्राइस होता है, और भी आगे बताऊंगा मैं कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए यह समझिए कि उन उतने सारे फैक्टर में से, जितने भी डिमांड को निर्धारित करने के फैक्टर हैं, उन फैक्टर में से अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर प्राइस की बात करूं कि प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसको तो कहेंगे अपने क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस के अलावा, प्राइस को छोड़ दीजिए, प्राइस के अलावा अगर कोई भी जो अदर फैक्टर है, मैं आपको अभी बताता हूं कौन कौन से, और अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हैं तो उसके बारे में बात करूं, तो उस समय जो उसमें चेंज होता है वो क्या कहलाती है, आपकी क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि यहां पर आपका प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, आप क्या है, उस चीज को लेने के लिए तैयार हैं। पहले आप 10 रुपए पर ही 2 यूनिट ले रहे थे, और क्या हो रहा है, अब आप उसी 10 रुपए पर, यानी कि प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, तो वो होती है क्वांटिटी, और ये होती है क्वांटिटी डिमांडेड। इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आई। अब आगे अपने बात करते हैं कि डिमांड कितने प्रकार की होती है। अब अगर बात करें अपने, तो डिमांड, हालांकि एक्चुअल में कोई इसके प्रकार नहीं होते, लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो होती है देखो इंडिविजुअल डिमांड, एक तो क्या होती है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, एक तो होती है देखो व्यक्तिगत, और दूसरी जो होती है हमारी वो होती है मार्केट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करूं, मान लो कि मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा क्या कि जब 2 रुपए की चीज होगी तो मैं 2 यूनिट खरीदता था, और अगर वो चीज, या मान लेते हैं 10 यूनिट खरीदता था और अब उसका रेट अगर बढ़ जाएगा तो मैं कितनी खरीदूंगा, मैं 8 यूनिट ही खरीदूंगा उसकी, उसका रेट और बढ़ जाएगा तो मैं उसकी 5 यूनिट ही खरीदूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, ये सिर्फ मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं क्या करूंगा कि 2 रुपए पे 8-10 यूनिट खरीदूंगा, 3 रुपए पे 8 खरीदूंगा, 4 रुपए पे 5 यूनिट खरीदूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो कि पूरी मार्केट की बात की जाए, यानी कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे वहां पे बाजार में, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी 3 लोग हैं, यदि इन 3 लोगों का कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन मतलब कि इनको जोड़ लिया जाए, जैसे कि ए मान लो क्या है 10 रुपए पे या 2 रुपए पे 10 खरीदता है, 3 रुपए पे 9 खरीदता है, 4 रुपए पे 7 खरीदता है, बी क्या खरीदता है 2 रुपए पे 6 खरीदता था, ये 2 रुपए पे क्या खरीदता है 3 रुपए पे 5 खरीदता है, और 4 रुपए पे क्या खरीदता है 2 खरीदता है। ये मैंने ए की बात की, ये मैंने बी की बात की। अब अगर मैं जोड़ दूं इनको, जोड़ने का मतलब कि 2 रुपए पर ए कितनी खरीदता था 10 खरीदता था, बी कितनी खरीदता था 6 खरीदता था, तो मैं अगर पूरी टोटल निकालना चाहूं, मार्केट की निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा 10 और 6 को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा,
क्या कर दूंगा, 2 रुपए पर टोटल मार्केट की सेल कितनी थी, मार्केट के अंदर 10 यूनिट ए खरीदता था, 6 यूनिट बी खरीदता था, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, 2 रुपए पर 16, 3 रुपए पर 9 यूनिट ए खरीदता था, 5 यूनिट बी खरीदता था, तो 9 और 5 कितनी हो जाएगी आपकी, 14 यूनिट हो जाएगी। 4 रुपए की बात करूं तो 7 यूनिट ए खरीदता था, 2 यूनिट बी खरीदता था, तो 4 रुपए के ऊपर क्या हो जाएगी आपकी, 9 यूनिट हो जाएगी। ये इधर रुपए हैं और इधर यूनिट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ए और बी दोनों की बात की, लेकिन मैं यहां क्या कर रहा था, यहां मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की बात कर रहा था, लेकिन मैं यहां 2 लोग 5 लोग 7 लोग 50 लोग लाखों लोग को भी बात करूंगा, उनको मैं मिलाकर बात करूंगा, तो वो मेरा क्या कहला जाए, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा मार्केट डिमांड कहलाएगी, ठीक है। और ये जो चीज मैंने बनाई है, ये जो मैंने टेबल बनाई है कि 2 रुपए पर मैं 10 यूनिट खरीदूंगा, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो मैं कितने खरीदूंगा, 8 यूनिट ही खरीदूंगा, 4 रुपए अगर हो जाएगा तो मैं 5 यूनिट ही खरीदूंगा। ये जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक टेबल बना के, ये जो मैंने टेबल बनाई है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं इसको, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। किसको, जो ये टेबल आपको रिप्रेजेंट करती है कि 2 रुपए पर कितनी, 10 यूनिट, 3 रुपए पर 8 यूनिट, 4 रुपए पर 5 यूनिट, यानी कि जो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है चीजें, उन चीजों को क्या कहते हैं, ये जो टेबल होती है इसको क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि डिमांड के अंदर कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती है डिमांड को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लो ऑफ डिमांड क्या होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना अभी कि 10, 9, 7 घट क्यों रहा है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये क्यों घट रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स हिंदी में क्या होता है, मांग निर्धारित करने वाले कारक। कि डिमांड कैसे निर्धारित होती है मार्केट के अंदर, उससे पहले अपने एक चीज और पढ़ लेते हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है ना, इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि 10, 8, 7 कैसे आए। तो डिमांड कर्व क्या होता है, देखो डिमांड कर्व होता है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, जिसमें इधर आता है प्राइस और इधर आता है क्वांटिटी। आप कहोगे सर ये क्या करवा दिया, ये तो हमने रट्टा मरा दिया आपने। देखो अब मेरी सारी बातें समझना, होता क्या है मार्केट के अंदर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट ऐसा क्यों होता है, मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है। मार्केट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आदमी कोई वस्तु को खरीदता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदता है। मान लो आप लोग हो, होता क्या है कि आज मान लेते हैं कि 500 रुपए में पिज्जा मिलता है, 500 रुपए में एक पिज्जा मिलता है, सही बात है कि नहीं है, 500 रुपए में पिज्जा मिलता है, आप बताओ कितने पिज्जा खाओगे। आप कहोगे सर यार पैसा तो है ही नहीं, एक ही पिज्जा खाऊंगा मैं तो। अब अगर उसका प्राइस क्या हो जाए, 250 हो जाए, उसी पिज्जा का प्राइस, के जो स्कीम आई और स्कीम में उस पिज्जा का प्राइस क्या हो गया, 250 हो गया, तो आप क्या करोगे, आप अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे, आप कहोगे यार सर ये तो बढ़िया हो गया, अपने क्या खाएंगे, 2 पिज्जा खाएंगे। पैसों को मत देखो आप, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 500 रुपए है, पैसा उसके पास बहुत है, पैसा उसके पास 1000-1200 रुपए है, तो वो मत सोचना कि आप यहां पर 250 में ठीक डबल ही हो गया, या मैं 300 करता हूं इसको। 500 रुपए में अगर वो एक पिज्जा खाता था तो अब वो 300 रुपए, अगर क्या होगा उस चीज का प्राइस घटेगा तो क्या होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो इस बात को, कि प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, किसी चीज की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी इनकम उतनी रहती है, इनकम उतनी रहती है, कोई चीज का अगर मैं कीमत कम कर दूं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। हर चीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% चीजों में या 90% चीजों के अंदर ये रूल फॉलो होता है कि अगर किसी चीज का प्राइस घटेगा तो उसको लेने वाले बढ़ जाएंगे। आप एक बात समझिए कि आल्टो गाड़ी कितना बिकती है,
लेकिन क्या ऑडी मर्सिडीज ये इतना आपको दिखाई देती है क्या रैंडमली, मतलब कि हाँ मैं रोड पे जा रहा था और मेरे को बहुत सारी दिखी। लेकिन आल्टो है, स्विफ्ट है, ये आपको हर जगह दिख जाएगी। तो किसी चीज का अगर क्या होगा, सस्ती होती है कोई चीज, तो कोई चीज सस्ती होने से क्या होगा कि कुछ लोगों के वो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ लोगों के एक तो वो औकात में आ जाएगी कि हाँ अब कोई चीज उसको खरीद सकता है। तो जब भी ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप पहले 500 रुपये लगाने को तैयार थे तो आप एक पिज्जा खरीद रहे थे, अब आप सोच रहे हो यार 300-300 के दो मिल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं 600 रुपये के दो खरीद लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ। प्राइस जैसे कम हुआ आपने क्या कर दी, उसकी डिमांड बढ़ा दी। तो जब भी प्राइस कम होता है किसी चीज का तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक बार के लिए आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसा होता है मार्केट में। अब देखो होता क्या है, अभी ऐसा क्यों है, अब बात करें डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व ऐसा क्यों है इसकी बात करूं मैं, तो देखिए इस पर्टिकुलर प्राइस पर यहां मैं लिख देता हूं P1, यहां मैं लिख देता हूं Q1। जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी आपकी, अब अगर प्राइस मैं कम कर दूं, मान लो अब अगर क्या होगा कि प्राइस कम होगा, या इसको अपने किसी और मार्कर से दिखाते हैं, देखो आपको सही समझ समझ में आएगा। बढ़िया खर्चा किया आज, है ना। प्राइस 2, अगर इस चीज का प्राइस कम हो जाए, ये देखो ये तो कम हो गया, देखो इधर नीचे चला गया, ये कम हो गया। कम होने से हुआ क्या कि आपकी क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी और आगे चली गई, और आगे मतलब बढ़ गई। जब क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई उस चीज की, बढ़ गई। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड का मतलब ऐसे जाता है। ऐसे क्यों जाता है, क्योंकि जब दोनों चीजें क्या होती है, प्राइस और डिमांड दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी, तो एक चीज कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एक चीज का दूसरी चीज पर नकारात्मक पर क्या पड़ता है, या अपोजिट, नकारात्मक नहीं अपोजिट शब्द सही रहेगा, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है उसका। कैसे कि जब डिमांड कम हो जाएगी, जब सॉरी जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। और क्योंकि क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए जो डिमांड कर्व होता है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या? क्योंकि देखो इस प्राइस पे आप एक कमोडिटी ले रहे थे, जैसे प्राइस घटा आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो डिमांड का स्लोप कैसा होता है, समझ में आई बात? इसको लिखते कैसे हैं, देखो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू और माइनस। तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का कोई यहाँ इफेक्ट नहीं है। माइनस ये कोई वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हो मैथमेटिकल माइनस है, मैथमेटिकल माइनस नहीं है ये। ये सिर्फ क्या है कि ये दिखाने के लिए है कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का मतलब मैं बता चुका हूं, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और ये अब ये क्या लिखा मैंने, ये डेल्टा पी का मतलब, डेल्टा होता है चेंज होना किसी चीज के अंदर, प्राइस में कितना चेंज होगा और क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, ये होगा स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर आपको पूछ ले कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि ये डाउनवर्ड होता है, ऐसे जाता है ये। लेकिन आपको क्या पूछ ले जाए कि अगर इसको ऐसे पूछ लिया जाए एक फिगर में, तो आप क्या क्या कहोगे उसको, आप ये कहोगे कि माइनस का डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू मतलब कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस में कितना चेंज हुआ अपॉन में क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये होता है क्या हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को कैसे करेंगे अपने, ये डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, और इधर क्या करेंगे माइनस का। जैसे कि अगर 1 रुपए से 2 हो गया तो ये 10 से 6 हो गई, 1 रुपए से 2 हुआ तो ये 10 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो प्राइस में कितना बदलाव हुआ, 1।
डिमांड में सॉरी क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ, चार। तो क्या हो जाएगा ये, इस तरीके से इसको अपने शो करते हैं, किस चीज को, डिमांड कर्व को। डिमांड कर्व को अगर शो करना है तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। एक चीज आपको मैंने बता दी कि डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व आपका ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और अगर आपको उसको कह दे भी शो कैसे करना है, तो शो कैसे करोगे, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, इधर क्या लगाएंगे, माइनस का निशान। माइनस का निशान क्यों लगाते हैं, माइनस का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई मैथमेटिकल नहीं है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, बस इतनी सी बात है। अब अपने बात करते हैं, डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे थे, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीजें। देखो पहला होता है क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि जब किसी चीज का प्राइस क्या होता है, एक रुपया है तो मान लेते हैं वो 10 यूनिट खरीद रहा है, जैसे ही प्राइस का 2 रुपया हो जाएगा तो वो क्या खरीदेगा, वो मान लेते हैं 8 यूनिट ही खरीदेगा। तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्या, कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, हालांकि मैं बता चुका हूं कि जब प्राइस घटता है आपका तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस घट जाता है तो प्राइस क्या हो जा डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक तो अगर मार्केट में आपने देखना है कि डिमांड कैसे मापी जाएगी, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, तो आपको किससे पता लगेगा, आपको उस चीज़ के प्राइस से पता लगेगा। क्या पता लगेगा, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर क्या होगा, बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास, हाँ इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है ना, क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब यहां से आपको नई चीज देखने को मिलेगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या चीज देखने को मिलेगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बताओ एक बात समझना मेरी, कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लेते हैं आप अपने ऊपर लेके देखा करो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप किसी चीज की डिमांड को कम कर दोगे या बढ़ा दोगे, बताओ आप उस चीज की डिमांड को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप चीज को बढ़ा दोगे। पहले मान लेते हैं कि आप एक पिज्जा खाते थे, 500 रुपए का पिज्जा खाते थे, लेकिन आपकी औकात नहीं होती थी, आप एक पिज्जा खाते थे, लेकिन अब आपकी इनकम क्या होगी, इनकम मान लो बढ़ जाती है, इनकम आपकी पहले 1000 रुपए थी, अब आपकी इनकम होगी मान लो 2000 रुपए। तो अब आप क्या सोचोगे, यार इनकम अपनी बढ़ गई तो अपने क्या एक पिज्जा और मंगा लेते हैं। अब आप क्या करोगे कि 500 रुपए के 2 पिज्जा मंगा लोगे, कि यार कोई नहीं इनकम बढ़ गई तो एक पिज्जा और खा लेंगे, आज कम से कम भर पेट खाएंगे, इतने दिन स्वाद के लिए खाते थे लेकिन आज भर पेट खाएंगे, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो पैसा खर्च करो। तो जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब इनकम कम हो जाती है तो कंज्यूमर उस चीज को लेने में एबल नहीं रहता, और वो क्या होगा, उस चीज की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव का मतलब कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। ये दो बातें आपको समझ में आई हो गई। तीसरा कारक बात करें, तीसरा डिटरमिनेंट क्या है, तीसरा डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। क्या, देखो प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या है सर इसका, मैं आपको बताता हूं। दो प्रकार के होते हैं, देखो एक तो होते हैं मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझना क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सब्स्टिट्यूशन गुड्स का। क्या सब्स्टिट्यूशन गुड्स, वे होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल या यूज किए जा सकते हैं।
किए जा सकते हैं। ये क्या होता है, देखो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये क्या है कि एक दूसरे के स्थान पर भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टी और कॉफी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पेप्सी और कोक। ये क्या लिखा मैंने, पेप्सी और कोक, ठीक है। अब बताओ टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे हैं कि चाय के स्थान पर कॉफी पी जा सकती है और कॉफी के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। सही बात है, पेप्सी और कोक, तो पेप्सी पी लो चाहे कोक पी लो, काम तो उन्होंने वही करना है। दोनों क्या है, एक ही काम करती है, दोनों आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन देती है, दोनों आपको क्या करती है, आपके लिए सेम लेवल क्या करती है, इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखो आप ये मत जाना कि किसी ब्रांड की तरफ चले जाओ अब कि यार ये मेरे को ब्रांड पसंद है, नहीं, आप इंडिफरेंट हो एक तरीके से। इंडिफरेंट का मतलब है कि पेप्सी और कोक, देखो अगर आप सही में देखोगे तो दोनों एक ही काम करेगी, टी और कॉफी देखोगे तो दोनों एक ही काम करती है, तो यानी कि टी के स्थान पर कॉफी पी जा सकती है और कॉफी के स्थान पर टी, पेप्सी के स्थान पर कोक काम में आ सकती है और कोक के स्थान पर पेप्सी काम में आ सकती है। जैसे कि मान लो आप शॉप पे गए, आपने उसको बोला कि भैया पेप्सी देना, वो कहेगा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि यार कोई नहीं कोक दे दे, या वापस आ जाओगे, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप क्या कहते हैं उसको, क्या कोक दे दे। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इनका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से मिटा रहा हूँ और एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ टी और कॉफी का एग्जांपल। अब समझना मेरी बात, टी और कॉफी। अब मान लेते हैं कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा दोस्तों, कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी या तो क्या होगी, कुछ लोगों की क्षमता से बाहर हो जाएगी, या क्या होगा कि कुछ लोगों की उतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो बताओ जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग जो यहां कॉफी पीते थे वो अब ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, टी के अंदर। तो टी का इसका प्राइस बढ़ा अगर तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर क्या होगा, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे होता है ऐसे कि जब कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी कुछ लोगों की रेंज से बाहर हो जाएगी, या कुछ लोग उसको छोड़ देंगे और वे लोग अब क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बात समझ नहीं आपकी, तो कॉफी वाले लोग क्या होंगे, चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। और यही बात अगर मैं और करूं कि अगर क्या होगा, कॉफी की पैसा या कॉफी की डिमांड क्या, सॉरी कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाए, कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाए तो क्या होगा, कॉफी का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो पहले लोग चाय पीते थे वो कॉफी इसलिए नहीं पीते थे क्योंकि कॉफी महंगी थी। अगर अब क्या हो कि कॉफी का रेट कम हो जाए तो क्या होगा, चाय वाले लोग ट्रांसफर हो जाएंगे किधर, कॉफी के ऊपर, तो चाय की डिमांड जो क्या होगी, वो डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी का प्राइस घटेगा तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मान लेते हैं कि पेप्सी पहले आती थी 10 रुपए की और कोक आती थी मान लो 10 रुपए की, अब क्या होगा, अब अगर पेप्सी का रेट हो जाए 14 रुपए या 15 रुपए हो जाए तो क्या होगा, अब कुछ लोग क्या होंगे, पेप्सी पीना छोड़ देंगे और वो शिफ्ट कर लेंगे कहां पर, कोक के ऊपर, तो कोक की डिमांड बेटा क्या होगी, कोक की डिमांड बच्चे बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है किस चीज का, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई बात समझ में, आ गई समझ में, एक चीज का प्राइस घटेगा तो दूसरी चीज की डिमांड भी घट जाएगी, एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बात करता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, पहले तो डेफिनेशन क्या है, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये मतलब सर, इसका मतलब ये है कि आपने कभी यूज किया हो, देखो पहले फाउंटेन पेन आते थे, यूज किया आपने कभी फाउंटेन पेन आते थे पहले,
और अच्छा पहनाता था, पार्कर का पहनाता था, एक पार्कर ब्रांड का बहुत ही अच्छा पहनाता था, एक फाउंटेन पेन होता था, उसको ऐसे बोतल में डालते थे तो ऐसे ना दबा के वो इंक खींच लेते थे अपने, तो फाउंटेन पेन आता था। इसके साथ एक छोटी सी क्या आती थी, इंक की डब्बी आती थी, कांच की बोतल आती थी इंक की। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये कि ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब सर, मतलब ये कि इंक अगर क्या है, फाउंटेन पेन अगर आपके पास लोगे, अगर आप फाउंटेन पेन खरीदोगे तो अपने आप क्या होगा, इंक खरीदोगे खरीदोगे, क्योंकि फाउंटेन पेन में डालोगे क्या। या मैं एक और एग्जांपल दूं, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी है, पेट्रोलियम कोई भी है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोई भी चीज है, कार और पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। यहां क्या था, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, यहां दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो क्या असर होगा इन चीजों का, अगर मान लेते हैं कि फाउंटेन पेन का प्राइस बढ़ता है, अगर फाउंटेन पेन का प्राइस बढ़ता है तो बेटा क्या होगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसी की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं की मैंने, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब इसका प्राइस बढ़ता है फाउंटेन पेन का, तो फाउंटेन पेन का प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर फाउंटेन पेन की डिमांड कम होगी बच्चे, तो क्या होगा, इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, चाहे इंक का प्राइस बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही फाउंटेन पेन की डिमांड कम होगी वैसे ही क्या होगा, इंक की जो डिमांड है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात है ना, जब फाउंटेन पेन की डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगा तो फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो जाएगी, और कम होते ही क्या होगा, इंक की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग पेन खरीदना छोड़ देंगे तो अपने आप ही इंक खरीदना छोड़ देंगे वो। और अगर यही बात करूं कि मैं, अगर प्राइस फाउंटेन पेन का घट जाए तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी इसकी, अगर फाउंटेन पेन का प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी बच्चे क्या होगा, इंक की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर क्या होगा, पेन की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें क्या डालोगे, इंक डालोगे, तो अपने आप क्या होगा कि जो इंक की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब आपका टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का जैसे प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफी का प्राइस मान लो घटेगा तो टी की डिमांड घट जाएगी। लेकिन यहां क्या होता है कि अगर प्राइस घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो फाउंटेन पेन की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसकी भी क्या होगी, डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ये आप कंसेप्ट को समझिए, रट्टा नहीं मारना आपने, आपने कंसेप्ट समझना है इसका, ठीक है। अगला क्या है देखो, मैंने आपको तीन चार बातें बता दी, मैंने आपको बताया क्या, एक तो प्राइस बताया, एक मैंने आपको क्या बताई, इनकम बताई, एक मैंने आपको क्या बताई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि दो तरीके के बता दिए मैंने आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स और ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आगे देखिए चौथा क्या है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवा क्या है हमारा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, छठा क्या है हमारा, फैशन। खैर हालांकि इसी में आ जाता है, पर कोई बात नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब देखो ये कैसे डिपेंड करता है कि मुझे कोई चीज मान लीजिए पसंद है, मुझे मान लो चाय पीना पसंद है, मुझे टी पसंद है, तो अगर मुझे टी पसंद है तो क्या होगा, टी पसंद है तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि मैं किसी भी कीमत पर क्या है उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हूं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है कि अगर मेरा कोई टेस्ट है किसी चीज के लिए, या मेरा टेस्ट बदल जाता है, जैसे कि मान लेते हैं, चलो इसको आप छोड़ो, मान लीजिए आप एक पार्टी में गए
और आपने पार्टी के अंदर क्या हुआ, कोई नई चीज, मान लो आपने कभी पहले कॉफी देखी नहीं थी, मान लेते हैं आपने पहले कभी कॉफी देखी नहीं थी, और आप जब पार्टी में गए, आपने वहां क्या पी, आपने वहां कॉफी पी, और वहां कॉफी पी तो आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और आपको वो चीज पसंद आ गई। तो जैसे ही वो चीज आपको पसंद आएगी, तो पसंद आने के बाद क्या होगा कि आप अपने घर पे आओगे और आते ही आप क्या खरीदोगे, कॉफी खरीदोगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना ऐसा? या आपको किसी चीज का, जैसे कि एप्पल का फोन आता है, एप्पल के फोन की लोगों क्या होती है, प्रेफरेंस होती है भी, नहीं यार एप्पल का ही खरीदना है ना, क्या होता है कि लोगों को पसंद आ जाता है। या आपने, या मान लो आप आए मेरे पास, ये मेरे पास फोन है एक, ठीक है ना, ये फोन आपको पसंद आ गया, आपने देखा आपको पसंद आ गया, आपकी टेस्ट बदल गया, आपकी प्रेफरेंस बदल गई। तो जिस चीज का टेस्ट होता है हमारा, या जैसी हमारी पसंद होती है, टेस्ट का मतलब हमारी पसंद क्या है, तो जिस चीज की हमारी पसंद होगी उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोई चीज अगर हमारे जी से उतर गई कि नहीं यार ये नहीं, बस बहुत हो गया, तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मान लेते हैं लड़कों की बात करूं मैं, तो लड़कों की अगर मैं बात करूं, मान ले तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपको पता लगता है कि 2 दिन बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। आपको अगर मान लो कहीं से पता लग गया कि पेट्रोल के दाम क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं 2 दिन के बाद में, 70 रुपए से 75 रुपए हो जाएगा, 70 रुपए 80 रुपए हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे। एक बात बताओ, क्या प्राइस कम हुआ, क्या प्राइस कम नहीं हुआ ना, प्राइस वही, आज प्राइस कितना है, 70 रुपए है, और प्राइस कम नहीं हुआ, ठीक है हम डलवा रहे थे 1 लीटर 2 लीटर 50 रुपए का 100 रुपए का, जी 100 का तेल डाल दे, फिर कल गए 100 का डाल दे, मतलब अपना काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से आपको पता लगता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, पेट्रोल क्या हो जाएगा 2 दिन बाद 80 रुपये लीटर हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस 70 रुपये पे, प्राइस कम नहीं हुआ लेकिन इसी 70 रुपये पे आप क्या करोगे, टंकी भरवा लोगे कि यार 2 दिन बाद बढ़ जाएगा प्राइस, तो क्या होगा कि प्राइस सेम रहेगा, फिर भी उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फोन की बात करूं मैं, अगर किसी मोबाइल की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, अब मानो दिवाली आने वाली है, आगे दीपावली पे क्या होता है कि अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल आती है, आपने देखा होगा ग्रेट इंडियन सेल। आप में से कुछ लोग ऐसे वास्तव में होंगे जो क्या होंगे, वो वेट कर रहे होंगे उस चीज का। क्यों वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर से, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार प्राइस कम होगा उन चीजों का, दीपावली पर जो सेल आएगी उस सेल के अंदर प्राइस कम होगा, और जैसे ही प्राइस कम होगा मैं तब खरीदूंगा उस चीज को, तो मैं तब खरीदूंगा, तो आज उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी आपके लिए, कम हो जाएगी, यानी कि जो चीज आप आज खरीदने वाले थे वो आपको हो गया यार नहीं यार 2 दिन बाद ही खरीदेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, मान लो आपको पता लग जाए कि सेल लगने वाली है, तो क्या होगा, तो सेल से है ना, सेल लगने वाली है, तो आपको क्या हो जाएगा कि आज आप उस डिमांड को कम कर दोगे, क्योंकि आप 2 दिन बाद क्या करोगे कि यार सेल में से ही लेंगे ना, कोई ड्रेस है या कोई और चीज़ है तो सेल में से लेते हैं, तो ये होता है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फैशन की बात करूं, तो जो चीज़ आज फैशन में है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ कि एक वो पैंट आती थी पहले ना, वो क्या बोलते हैं उनको, बेल बॉटम बोलते थे क्या, वो नीचे से खुली होती थी जो, है ना, ऐसे करके नीचे से खुली होती थी वो, है ना, ऐसे पैंट आती थी एक, क्या उनकी डिमांड है क्या आज, नहीं है ना, क्यों डिमांड नहीं है बताओ, क्या उनका प्राइस बढ़ गया। अगर आप आज जो पैंट कितने खरीदते हो, 1000 रुपए की, और अगर अच्छे शोरूम से खरीदोगे 2000 रुपए की, मैं आपको ये बेल बॉटम पैंट 500 रुपए की दे रहा हूं, प्राइस कम कर दिया मैंने, क्या आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना, प्राइस कम होने पर प्राइस बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड के अंदर, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्या हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, यानी कि आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। अब फैशन में क्या है, फैशन में नैरो जींस है या और भी जो भी कपड़े हैं, तो वे चीजें फैशन में हैं, उनकी डिमांड अपने आप है, आप 1000 रुपए की अगर 1100 की हो जाएगी तो भी आप उसको खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो कहां पे है, फैशन में है। अब मैंने आपको एक छोटी सी चीज नहीं बताई, जो मैं आपको बताता हूं इनकम के बारे में, 2 तरीके के गुड्स होते हैं, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ इनकम की बात कर रहे थे ना आपने,
मैंने आपको अभी एक बताया था, दूसरे नंबर पे इनकम बताई थी मैंने आपको, बताया था कि जब इनकम बढ़ेगी तो उस चीज की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम घटेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैंने आपको ये बताया था। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर दो तरीके के गुड्स होते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। मतलब सर, इन्फीरियर होते हैं कम क्वालिटी के। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फुटपाथ जो होता है, देखो फुटपाथ पे आपने कभी देखा है सेल लगी होती है? फुटपाथ पे शर्ट मिलता है, मिलता है ना, शर्ट पैंट मिलती होती है। आपने देखो फुटपाथ पे जो ये बेचारे गरीब लोग हैं वहां पे, वो एक सेल सी क्या होती है, होती है उनकी। अब एक बात समझाओ मुझे कि आपकी इनकम पहले थी 100 रुपये, आपकी इनकम पहले कितनी थी? 100 रुपये थी। आप कौन से पैंट खरीदते थे बताओ? आप जाते थे वहां पे इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि आपकी मजबूरी थी, क्योंकि इनकम आपकी 100 रुपये थी, तो आपको खरीदनी पड़ती थी क्या? इन्फीरियर क्वालिटी की चीजें खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये हो जाएगी, अब क्या आप इन्फीरियर गुड्स खरीदोगे? क्या नहीं खरीदोगे? अब आप 1,000 रुपये, जैसे ही अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप ट्रांसफर हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे किस पे? नॉर्मल गुड्स के अंदर। नॉर्मल गुड्स का मतलब आप किसी अच्छी दुकान से कपड़े खरीदोगे। तो देखो, इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो गई? ये एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है। इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स आज कोई भी नहीं खरीदना चाहता। इन्फीरियर मतलब चीप क्वालिटी, सस्ता, ठीक है ना, सस्ता जो होता है ना, सस्ता चीज होता है उसको बोलते हैं, चीप क्वालिटी की चीजें होती है उनको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो जब आपकी इनकम कम होती है, जब आप उन चीजों को खरीदते हो, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो फिर आप उन चीजों को छोड़ देते हो। आप कहते हो नहीं यार, ये नहीं खरीदेंगे, आप अपने अच्छी चीजें खरीदेंगे, ब्रांडेड पे आप शिफ्ट हो जाते हो। आई बात समझ में? तो दोस्तों, ये चीजें थी मार्केट के अंदर डिटरमिनेंट्स होते हैं जो आपकी इनकम को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लेना, ये सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल पे काम करेगी। ये सारी की सारी चीजें कहां काम करेगी? इंडिविजुअल पे काम करेगी। तो इंडिविजुअल पे काम करेगी तो साथ ही साथ किस पर काम करेगी? मार्केट पे भी काम करेगी। क्यों? आपकी इनकम बढ़ेगी, आप डिमांड बढ़ाओगे। मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। हम दोनों डिमांड बढ़ाएंगे तो मार्केट में डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ एक जो चीजें होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा वो एक चीज और देख लीजिए, वो होती है बेटा पॉपुलेशन। क्या होती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे? कि पॉपुलेशन अगर कहीं की ज्यादा है, जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे इंडिया में डिमांड भी क्या चीजों की? हम देखो कितना रोना रोते रहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस कम है। तो रिसोर्सेस कम क्यों है? तो वो रिसोर्सेस कम नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होगी किसी शहर की तो डिमांड भी बेटा ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी किसी शहर की तो डिमांड भी क्या होती है आपकी? कम होती है। तो ये जो चीज इफेक्ट करती है, ये कहाँ इफेक्ट करती है? सिर्फ मार्केट के अंदर इफेक्ट करती है। यानी कि इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया ना, एक तो होता है इंडिविजुअल, एक होता है सारों को मिलाकर बनता है मार्केट। तो इंडिविजुअल का इफेक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मार्केट में एक चीज आपने और याद करनी है या ध्यान में रखनी है कि पॉपुलेशन भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है? देखो, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड पे, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। हालांकि आपने समझ ही लिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो बेटा, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कह की बात करूंगा मैं, प्राइस, मैंने इतने सारे डेटरमिनेंट्स बताए आपको, मैं यहां लॉ ऑफ डिमांड की बात करूंगा। सॉरी, स्पेलिंग गलती थी ना मैंने, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? प्राइस की बात करूंगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, और बार बार एक चीज को रिपीट करने का कोई फायदा भी नहीं है। और मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व ऐसा होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बता दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है,
ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको क्या बता दिया कि क्वांटिटी और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड की बात करोगे तो लॉ ऑफ डिमांड किस किस के बारे में बात करेगा बेटा, प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, या आपको मैंने एक शब्द बताया था नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का मतलब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो मैंने आपको बताया था यही क्या कहलाती है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाती है। यही क्या कहलाती है, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिएगा आप, यहां थोड़ी बहुत अजम्पशंस आपको ध्यान में रखनी है। अजम्पशंस कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि प्राइस के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो प्राइस, तो प्राइस की बात तो मैं यहां कर ही रहा हूं, लेकिन जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो बच्चे अदर जो हमारे क्या हैं, अदर फैक्टर जो हैं हमारे, ये अदर फैक्टर क्या रहने चाहिए, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि इनकम क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। यानी कि बाकी सारे जो मैंने आपको आपको मैंने डिटरमिनेंट्स बताए, छह डिटरमिनेंट्स बताए, छह में से मैंने यहां बात कर रहा हूं इसकी प्राइस की, तो बाकी के जो पांच डिटरमिनेंट्स हैं वे क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। कब, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ वो बात होती है किसकी, प्राइस की बात होती है क्वांटिटी के साथ। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, और आपका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो, अब बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये कि लॉ ऑफ डिमांड जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि जो प्राइस फैक्टर था आपका, वो प्राइस फैक्टर ही क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमांड है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या होते हैं। रीजन का मतलब कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती ही क्यों है। तो हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता, मैं आपको भी एक्सेप्शन बताऊंगा, अपवाद बताऊंगा। और मैंने आपको बताए भी थे, अब मैंने आपको इन्फीरियर गुड्स के बारे में बताया था ना। तो यहां मैं बात कर रहा हूं काहे की, रीजन की बात कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था एक तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको मैंने बताया था, या नहीं बताया था, बताओ, बताया था ना, बताया था। तो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहती है कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते हो, किसी चीज की यूनिट्स को बढ़ाते हो, तो उसकी क्या होती है, वो महत्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहली पे आपको 10 यूटिल्स बताया था मैंने, यूटिल्स 10 यूटिल्स की आपको मिलती है सेटिस्फेक्शन, तो दूसरी यूनिट पे आपको 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तीसरी यूनिट पे आपको 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब आप मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर क्या होता है, एक जगह पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है, और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके बाद फिर वो चीजों को नहीं खरीदेगा। अब देखो होगा क्या बेटा, इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब मैंने क्या बताया था कि चीज का महत्व यानी कि यूटिलिटी क्या हो जाती है, पैसों के बराबर हो जाती है, बताया था ना मैंने भी। दूसरी चीज क्या दे रही है आपको, 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रही थी, कितने रुपए का दे रही थी, 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रही थी। मान लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि यूटिल्स को मान लो कि 1 रुपए के बराबर है, हालांकि एक्चुअल में ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्या यूटिल्स वगैरह। तो दूसरी यूनिट क्या देती थी आपको, 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देती थी, और मान लो प्राइस था क्या, 6 रुपए। चीज का प्राइस कितना था, 6 रुपए प्राइस था। पहली यूनिट कंज्यूम की, 10 यूटिल्स का आपको क्या मिला, 10 यूटिल्स का मतलब एक तरीके से 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। बताओ आप कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे, आप कहोगे सर करेंगे, क्योंकि 6 रुपए लगा के 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या गड़बड़ है उसमें। 6 रुपए लगाकर 8 यूटिल्स का कंजम्पशन क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बताओ कंज्यूम करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन 6 रुपए लगाकर 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या आप खरीदोगे, आप कहोगे सर मैं तो नहीं खरीदता। अब होगा क्या कि अगर इसका प्राइस क्या हो जाए, गिरकर 4 रुपए हो जाए,
और तीसरी यूनिट से आपको क्या मिलती है, 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब बताओ प्राइस गिरने पर आप उसका कंजम्पशन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, आप उसका कंजम्पशन करोगे। इसलिए क्या होगा कि तीसरी यूनिट का कंजम्पशन करोगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइस गिरने पर डिमांड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर रीजन? और रीजन ये हो सकता है कि जब क्या होती है, किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो वो बहुत से लोगों से पहले उनकी औकात से बाहर थी, उनकी वो एबिलिटी नहीं थी उस चीज को खरीदने की। अब अगर क्या हो, अगर मान लो कि 40 लाख की ऑडी गाड़ी आज 20 लाख रुपए की हो जाए तो होगा क्या बेटा, आज जो जो क्या होंगे, जो 20 से 25 लाख जिनकी इनकम है, तो क्या वो लोग उसको पहले खरीदने में सक्षम थे क्या? नहीं थे। लेकिन अब खरीदने में सक्षम है क्या? अब वो सक्षम है खरीदने में। तो कुछ चीजें क्या होती है कि प्राइस घटने के बाद लोगों की औकात में आ जाती है, लोगों की एबिलिटी में आ जाती है, तो क्या करते हैं लोग उसको खरीदना फिर शुरू कर देते हैं, तो भी डिमांड उसकी बढ़ जाती है। और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है वेरियस यूजेस। मतलब इसका सर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिल्क है मान लो, तो बेटा मिल्क से बटर भी बनता है ना, मिल्क से कर्ड भी बनता है, दही बनता है मिल्क से, और मिल्क का यूज एज अ मिल्क तो होता ही है, घी बनता है, तो बहुत सी काम आते हैं। दूध हमारा बहुत सी काम आता है, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं बहुत सारे वो किससे बनते हैं, दूध से बनते हैं। अब आप एक बात समझिए कि पहले आप सिर्फ दूध पीते थे, मान लो सुबह 1 गिलास दूध पीता था मैं। पहले क्या था कि 50 रुपये लीटर दूध था, तो मैं क्या करता था, 1 लीटर दूध लेता था, वो मेरे पीने में काम आ जाता था। लेकिन अगर क्या होगा, प्राइस घटेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा यार क्यों ना अपने उसका क्या कर लें, कर्ड में एज ए कर्ड यानी कि दही जमा लें उसका, तो काम आ जाएगा। क्यों ना हम उसका बटर बना लें, तो काम आ जाएगा। जब प्राइस गिरता है तो फिर वो और भी काम आने लग जाता है, क्योंकि एक कमोडिटी के बहुत सारे क्या होते हैं, यूजेज होते हैं। इसलिए भी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ते हैं तो प्राइस गिरने पर क्वांटिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आपको समझ में आ गया। अब इसके एक्सेप्शन क्या है, अपवाद की बात करूं मैं, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, दुनिया में हर चीज के अपवाद है ना, तो अपवाद क्या है इसका, इसका अपवाद ये है, सबसे पहला अपवाद है कमोडिटी ऑफ, क्या लिख दिया, कमोडिटी ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, या इनको बोलते हैं वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर वेबलन ने दिया था। ये क्या है, ये ज्वेलरी, डायमंड, रोल्स रॉयस की गाड़ियां, मतलब बहुत महंगी चीजें, बहुत महंगी। तो बहुत महंगी चीजें कौन खरीदेगा बताओ? आप एक बात समझिए, आज मैं अगर बात करूं, सलमान खान की बात करते हैं अपने, है ना, आजकल मार्केट में ये चल रहे हैं, इनकी अगर बात करूं मैं, और मैं इनको बोलूं कि आप मारुति आल्टो ले आओ, क्या ये खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे ना, तो क्या इनके औकात से बाहर है वो? ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा आदमी है तो एक कार, इतनी सी कार खरीदने में क्या दिक्कत है उसको, पर वो नहीं खरीदेगा। यही आल्टो गाड़ी अगर 10 करोड़ की हो जाए, सपोज करो यही आल्टो गाड़ी कल सुबह उठो तुम्हें पता लगे कि यार यही आल्टो गाड़ी 10 करोड़ की होगी, कल क्या होगा? सलमान खान भाग के जाएगा उस गाड़ी को खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा, वो अपनी सोशल स्टेटस के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज का प्राइस बढ़ा दोगे, जब क्या करोगे, आप किसी चीज का प्राइस बढ़ा दोगे तो उनकी डिमांड बढ़ती है। कोई चीज जब महंगी होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो जो गुड्स हैं आपके, वो वेबलन गुड्स हैं आपके, वो सोशल डिस्टिंक्शन के गुण हैं आपके, वो अमीर लोगों के लिए बने हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना कि इसका एक्सेप्शन है। दूसरा,
दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसका, गिफन गुड्स। इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, क्या शब्द लिख रहा हूं, इन्फीरियर गुड्स। क्या लिख रहा हूं मैं, इन्फीरियर गुड्स। बस अब आप समझ जाओगे इन्फीरियर गुड्स के बारे में क्या बताया था मैंने, इन्फीरियर गुड्स का मामला थोड़ा सा उल्टा होता है बाकी गुड्स से, बता चुका हूं मैं, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं निकलता। इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स मैंने बताया था ना आपको। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है देखो कंज्यूमर की रैशनलिटी होती है, कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, देखो कंज्यूमर का बिहेव क्या होता है। देखो आप एक बात सुनना मेरी, एक चीज है 1100, मैंने आपको एक फैन दिखाया, पंखा दिखाया मैंने आपको कि ये फैन है भाई साहब 1100 रुपए का, और ये ए ब्रांड का फैन है, और ये बी ब्रांड का फैन है, ये है 1500 रुपए का, और ये सपोज करके चलो कि दोनों आपकी औकात के अंदर हैं, आप दोनों खरीदने में सक्षम हो, आप बताओ कौन सा खरीदोगे, 1100 वाला खरीदोगे या 1500 वाला? आप 1500 वाला खरीदोगे, और बहुत बार ऐसा होता भी है। क्यों खरीदोगे 1500 वाला? क्योंकि आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिमाग ये कह रहा है कि यार 400 रुपये महंगी कोई चीज़ है, इसका मतलब उसकी क्या होगी, उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, बढ़िया होगी। अगर वो क्या है 1100 रुपये की चीज़ है तो ये 1500 की है, महंगी क्यों बिक रही है वो, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा कि आप महंगी होने के बावजूद कोई उस चीज़ को खरीदोगे। तो इस केस में भी जब प्राइस ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। और आपको लास्ट बता देता हूँ, डेली यूज़ के वस्तुएँ जैसे कि साल्ट, या डेली यूज़ मान लो, या जो मतलब कि जिनका यूज़ फिक्स यूज़ है, डेली यूज़ या फिक्स यूज़ है जिनके, मेडिसिन, साल्ट। अगर साल्ट मैं आपको फ्री में दे दूं तो क्या ज़्यादा खा जाओगे? साल्ट अगर फ्री में दे दूं तो क्या ज़्यादा खा जाओगे क्या? तो साल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस का, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन क्या होगा, अगर बंदा बीमार होगा तो वो चाहे कितने की मेडिसिन भी है उसको खरीदेगा वो, और अगर बीमार नहीं है तो अगर उसको फ्री में भी दे दी जाएगी मेडिसिन तो भी वो नहीं लेगा। तो ये भी क्या है, कुछ आपको पता होने चाहिए कि ये कुछ एक एक्सेप्शन्स हैं इस चीज़ के। अब बात करते हैं अपने मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। किसकी बात करते हैं, मूवमेंट्स, या इधर मैं शिफ्ट लिखता हूं पहले, नो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां मैं लिखता हूं मूवमेंट, यहां मैं लिखता हूं शिफ्ट, काय में डिमांड कर्व के अंदर, डिमांड कर्व के अंदर मैं मूवमेंट करवाऊं और एक क्या करवाऊं, शिफ्ट करवाऊं। तो पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि मूवमेंट क्या है और शिफ्ट करना किसे कहते हैं। आप मान लो आप किस जिस घर में रहते हो, क्या उस घर में आप चलते फिरते नहीं हो क्या? आप ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, जाओगे ना आप ऊपर क्या करोगे, टेरेस पे जाओगे घूमने, वापस नीचे आ जाओगे, ऊपर चले जाओगे घूमने चले जाओगे। इसको तो बेटा बोलते हैं मूवमेंट करना। कोई चीज़ जब क्या होती है कि इस एक लाइन के ऊपर चलती है, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूँ मैं, जैसे पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, ये क्या होती है, ये आपकी होती है मूवमेंट। एक से इधर आ गया उसी लाइन में इधर आ गया, इसको तो बोलते हैं मूवमेंट करना। और इसको बोलते हैं किसको, इसको बोलते हैं शिफ्ट करना। शिफ्ट का मतलब ये पहले इस लाइन पे जा रहा था, अब इसने क्या कर ली, अपनी लाइन बदल ली, ये ऊपर वाली लाइन से क्या आ गया, नीचे वाली लाइन के अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या करना, शिफ्ट करना। तो एक होती है मूवमेंट करना और एक क्या होता है, शिफ्ट करना होता है। अब देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक मकान है, आपने अपना मकान बेच दिया, कोई नया मकान ले लिया, तो फिर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने कि यार घर शिफ्ट करना है, यानी कि कोई चीज़ बदलनी है। एक ट्रैक छोड़ के जब आप नए ट्रैक पे आ जाओगे उसको बोलते हैं क्या करना, कि उसके अंदर क्या, किसमें, डिमांड कर्व में शिफ्ट करना। ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ बात करूँगा, देखना कैसे। अब देखो डिमांड कर्व में मूवमेंट क्या है, पहले अपने ये समझते हैं। ये मैंने बनाया
ग्राफ, और ये मैंने बना दिया डिमांड कर्व। आपको पता ना डिमांड कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है डिमांड कर्व, है ना। अब देखो डिमांड कर्व में मूवमेंट किसको बोलते हैं? एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट नंबर पी है, ये पॉइंट नंबर क्यू है, ये पॉइंट नंबर आर है, ठीक है। और इसको मैं बनाऊं आगे, देखो ये मैंने बनाया एक तो ये वाला, दूसरा मैंने बनाया आपके लिए ये, और तीसरा मैंने आपको बना के दिया ये। अब इन तीनों कंडीशन को समझना। मैं स्टार्ट करता हूं क्यू से। जब मैं क्यू पे था, इस ब्लू वाले पे देखो, इस पे, इस मैं ब्लू पे जब था तो मेरी डिमांड कहां थी? यहां पे थी। डिमांड मतलब क्वांटिटी कहां थी, है ना, क्वांटिटी इधर आती है, प्राइस इधर आता है, बताया था ना मैंने आपको। तो अब अगर मैं नीचे जाऊं, इसके अंदर कहां जाऊं? डाउनवर्ड। अगर मैं डाउनवर्ड चलूंगा तो मेरी जो डिमांड क्या है, देखो डिमांड इस पॉइंट से आकर इस रेड वाले को देखो, आप रेड वाले को देखो, जब मैं क्यू से आर पे जाऊंगा, यानी कि ब्लू वाले से मैं रेड वाले पे जाऊंगा, तो डिमांड देखो यहां से यहां आ जाएगी, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बच्चे इसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन। अब यहां गलती मत कर देना, यहां आप इंक्रीज शब्द का प्रयोग मत करना, इंक्रीज शब्द आपका गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, डिमांड बढ़ना। इधर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी आप ध्यान रखना, कि ये जो डिमांड कर्व, ये वाला डिमांड कर्व जो बनता है, ये किस पे बनता है? ये बनता है लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? कि हम प्राइस की कंपैरिजन करेंगे क्वांटिटी के साथ, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जब आप बात करते हो प्राइस के बारे में, प्राइस के आधार पर बात करोगे, तो हमेशा क्या होगा? ये डिमांड कर्व आपका एक ही रहेगा, और इसी पे क्या होती रहेगी? मूवमेंट होती रहेगी। क्योंकि जैसे ही प्राइस घटा, आपने डिमांड क्या कर ली? बढ़ा ली, और आपकी मूवमेंट क्या हो गई? नीचे की ओर। जैसे ही प्राइस घटा, डिमांड आपकी बढ़ी, आपका मूवमेंट किधर हुआ? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो जब भी डाउनवर्ड जब आप जाओगे, तो हमेशा क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, डिमांड क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको दो शब्द बताए थे, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये प्राइस के आधार पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है, उसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि इस नीले से मैं ऊपर जाऊंगा ग्रीन की ओर, ऊपर जाऊंगा ना मैं ग्रीन की ओर, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ा। प्राइस जब बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी? कम हो गई, और आपने मूवमेंट किस ओर किया? ऊपर की ओर, अपवर्ड, ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये होती है हमारी मूवमेंट, जो किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। अब देखो शिफ्ट क्या होती है? शिफ्ट होती है आपकी जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर जो आपके हैं उनके अंदर बदलाव होता है। कैसे? समझना। एक मैंने बनाया ये। अब आप एक बात बताओ कि प्राइस सेम है, इधर क्या आता है बेटा? इधर आता है प्राइस, इधर क्या आती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी और प्राइस। अब आप एक बात समझिए कि अदर फैक्टर बदल रहे हैं, अदर फैक्टर, क्या प्राइस पे कोई, क्या कोई इफेक्ट पड़ा क्या? आप कहोगे सर नहीं पड़ा। जब प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मान लो ये वाला प्राइस था, यही प्राइस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां पर भी एक, चाहे एक खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, चार खरीदो, आपकी प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है? क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है? क्वांटिटी तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइस तो सेम था, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई थी। दस रुपए पे पहले आप दो चीजें खरीदते थे, अब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप दस रुपए में ही चार चीजें खरीदोगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी। तो प्राइस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखिएगा, अब मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। देखो एक ये वाला,
और एक आप समझना ये वाला। यहां पर देखो ये आपकी क्वांटिटी कितनी है, देखो इतनी है। अब आपकी क्वांटिटी कितनी है, ये है, और अब आपकी क्वांटिटी क्या है, ये है। तो क्या प्राइस बदला? क्या प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी ये और ये, क्वांटिटी में फेरबदल हो रहा है क्योंकि ये तीन डिमांड कर्व हैं, ये एक दो और तीन। मैं इनको नाम दे देता हूं पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब आप मेरे को बात समझाओ कि मैं मान लो ये वाला मेरा मेन वाला है, पी क्यू वाला मेन है मेरा, तो मेरी डिमांड कितनी थी, यहां थी, ये वाली डिमांड थी मेरी, ठीक है, यहां पर ये डिमांड थी। अब अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी अगर इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो बताओ क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप एक चीज नोट करो कि इस क्वांटिटी पे आपका डिमांड कर्व क्या हो गया, इधर की ओर शिफ्ट कर गया। वो ये इसी के ऊपर क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, ये क्या कर गया, राइट साइड में शिफ्ट कर गया। तो राइट साइड में जब शिफ्ट करता है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। राइट साइड में जब शिफ्ट करता है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और जब लेफ्ट साइड में करता है तो आप एक चीज देखिए कि उसी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कम क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपकी इनकम कम हो चुकी है, और इनकम जब आपकी कम हो चुकी है तो आप क्या हो जाओगे, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जाओगे। तो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट और राइट वार्ड शिफ्ट, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करोगे, लेफ्ट को मतलब बैकवर्ड ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना, लेफ्ट वार्ड या बैकवर्ड एक ही बात है, पीछे की ओर या लेफ्ट की ओर एक ही बात है। इसको बोलेंगे क्या, डिमांड कम हो रही है, इसको बोलेंगे क्या, डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड, इसको बोलेंगे डिक्रीज। कब? जब लेफ्ट में करेगी, और जब क्या करेगी, राइट में करेगी, या क्या करेंगे इसको, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी या राइट साइड में शिफ्ट करेगी, तो ये डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो ये होती है डिक्रीज, लेफ्ट वार्ड डिक्रीज होगी, राइट वार्ड इंक्रीज होगी। ऐसा कब होता है, शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट आपका डिमांड कर्व तब होगा जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर बदलेंगे। तो क्वांटिटी बदलेगी आपकी, क्वांटिटी यहां क्या बदलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यहां क्या बदलेगा, डिमांड क्वांटिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड बदलेगी। और कब बदलेगी, जब अगर अकेले प्राइस को अगर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो फिर वो क्या होगा, इसमें मूवमेंट होती है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट और शिफ्ट। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो और समझ लीजिए क्या है। अब देखिए बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या भला है, थोड़ा सा बैठ जाइए आप ढंग से, है ना, 15-20 मिनट की बात हो रहा है, 15-20 मिनट और देखोगे आप ढंग से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, अभी हमने सीखा कि सिर्फ बात कर रहे हैं, प्राइस की बात करूंगा मैं, बाकी नहीं बात करेंगे, शिफ्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से होता है, एक तो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, एक होती है कौन सी, अपवर्ड मूवमेंट होती है। डाउनवर्ड मैंने क्या बताया था आपको, जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उसमें क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा वो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना मेरे को वैल्यू बताओ, 2, 3, 5, 7, 10, तब आप क्या जवाब दोगे, ये इस बात का जवाब दीजिए मुझे। क्या कोई जवाब है आपके पास? इस बात का जवाब आपके पास नहीं होगा। आपको यह पता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, पर कितना नहीं पता ना। इसी को आज नापना सीखेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब
क्या है, क्या बताओ कि कितना कितना चेंज हुआ डिमांड में, वो अपने आज देखने का प्रयास करेंगे कैसे। देखो तो दो तीन मेथड हैं इसके, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और एक मेथड से ही मैं आपको बाकी चीजों क्या है बाकी चीजें बताऊंगा, ठीक है। वैसे होता था कुछ ज्योमेट्रिक मेथड, और दूसरा होता है परसेंटेज मेथड, और ही बहुत से मेथड हैं इसके, हम सिर्फ काम की बात पढ़ेंगे, ठीक है। और यूपीएससी वालों के तो लिए भी ये थोड़ा सा मेथड वगैरह जो है हमारे कम ही काम के हैं, तो एक बार अपने इसको देखेंगे ना। परसेंटेज मेथड पहले मैं बात करूंगा परसेंटेज मेथड की, दूसरा अपने आप आ जाएगा। परसेंटेज मेथड की बात करूं तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले अपने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है हमारा फॉर्मूला किस चीज का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। कौन सा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज मेथड, कौन सा है ये, ये है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है, देखो माना, मान लेते हैं कि पहले क्वांटिटी क्या थी, पहले क्वांटिटी अब क्वांटिटी, अब का मतलब, अब का मतलब रटा नहीं मारूंगा मैं आपको Q1 - Q0, ना रटा नहीं मारेंगे अपने, सीखेंगे चीजों को। पहले क्वांटिटी क्या थी और अब क्वांटिटी क्या है, और दूसरा पहले प्राइस क्या था और आज प्राइस क्या है। आज का मतलब, अब का मतलब क्या है, अब का मतलब यह है कि चेंज होने के बाद, या बढ़ी या घटी या कुछ भी हुआ है उसके बाद में। इसको मान लेते हैं अपने पहले क्वांटिटी Q थी, अब क्वांटिटी Q1 है, पहले प्राइस P था, अब प्राइस P1 है, पहले क्वांटिटी Q, अब क्वांटिटी Q1 हो गई, पहले प्राइस P था, पहले प्राइस P था और अब कितना हो गया, प्राइस P1 हो गया। अब एक बात समझो मेरी, अगर आपने मेरे परसेंटेज की वीडियो देखी है या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है परसेंटेज के बारे में, आप क्या कहोगे कि मैं पहले बात करूंगा क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के बारे में, किसके बारे में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के बारे में। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है, अब बताओ क्वांटिटी कितनी है, अब चेंज निकालना है, अब क्वांटिटी कितनी है Q1, और अगर आपने चेंज निकालना है कि पहले से कितनी बढ़ी या पहले से कितनी घटी, तो आप क्या लिखोगे बताओ, माइनस करोगे प्लस करोगे, अंतर निकालना है तो माइनस करोगे, माइनस क्यू, यानी कि आज क्वांटिटी कितनी है और पहले क्वांटिटी कितनी थी। और परसेंटेज काय पे निकलता है, एक बात बताओ, पहले 10 थी अब 8 हो गई, पहले 10 थी अब 8 हो गई, तो कितना हुआ, 2 आ गया, मतलब कि माइनस का 2 आ गया। कहां से घटी बताओ, किस से घटी, 10 से 8 हुई है या 8 से 10 हुई है। आप कहोगे सर पहले 10 थी अब 8 होगी, 10 से 8 हुई है, तो किस से बड़ी, आधार क्या है उसका, कहां से बड़ी, 10 से बड़ी, या जो भी है 10 से घटी, आधार क्या है 10, तो अपॉन में हमेशा क्या रहेगा, पहले वाली क्वांटिटी, पहले वाली क्वांटिटी। और क्योंकि बात कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज के लिए इंटू में 100, आई बात समझ में। और इसी तरीके से मैं बात करता हूं काय की, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वही P1 - P अपॉन में P इंटू में 100, प्राइस में कितना परिवर्तन आया, आज प्राइस कितना है, पहले प्राइस कितना था, अंतर निकाल लोगे, अपॉन के अंदर पहले वाला प्राइस, क्योंकि मैंने बता दिया कि पहले वाले से चेंज होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पहले वाले से चेंज होता है, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। और ये दोनों निकाल कर इस फॉर्मूले में रख दोगे आप, ये दोनों निकाल कर इस फॉर्मूले में रख दोगे, आपका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये समझना कि ये माइनस क्यों लगाया। तो माइनस कोई इसका वैसे इसका कोई महत्व नहीं है, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि क्वांटिटी और प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। अब देखिएगा, अब मैं अगर इनको यहाँ रख दूँ, जो मैंने ये चीज़ें निकाली इनको यहाँ रख दूँ मैं, क्या कि Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, इतना। इस पूरे के अपॉन के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि कितना था, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। क्या Q1 माइनस Q अपॉन में Q, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, और प्राइस में कितना चेंज आया, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। ये प्राइस में चेंज आ गया, आ गया। ऊपर क्या लिखना था, क्वांटिटी, नीचे क्या लिखना था, प्राइस, उसमें भी क्या चेंज, चेंज लिख दिया। तो बताओ 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10वीं तक तो आपने सबने पढ़ी है ना मैथ। अब सुनना, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया क्यू वन माइनस क्यू अपॉन में क्यू, क्यू वन माइनस क्यू अपॉन में क्यू। और नीचे वाले को जब आप ऊपर लाते हो ना, जब आप ऊपर लेके आते हो, यानी कि इसको जब आप गुणा में लाओगे ऐसे करके, तो ये पलट जाएगा। यानी कि P1 माइनस P अपॉन में P है, इसको क्या लिख दोगे आप, जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा P, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा P1 माइनस P। ऊपर Q1 माइनस Q अपॉन में Q, और ये जो बटे के बटे में होता है उसको जब आप ऊपर लाते हो तो वो उल्टा हो जाता है, क्या लिखोगे, P अपॉन में P1 माइनस P। ये आपका आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस P1 माइनस P को यहां लिख सकता हूं, और Q को कहां लिख सकता हूं, यहां पे। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। इसको किताबों में देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, Q1 माइनस Q क्या है, चेंज है ना, चेंज, चेंज, तो चेंज है तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा Q, चेंज है तो डेल्टा Q अपॉन में प्राइस में कितना चेंज है, डेल्टा P इंटू में P अपॉन, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, प्राइस पी अपॉन में क्यू। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो चाहे इससे निकाल लो, हाँ माइनस लगा देना अभी, ठीक है ना, माइनस माइनस लगा देना, भूल मत जाना माइनस। तो ये लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है, ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज नहीं इंक्लूड करते। थोड़ा सा आप इसके अगर दिमाग लगाओगे तो इसी से ही बना है वो, कोई अलग चीज नहीं है वो, ठीक है। तो यहां से आपकी ये निकल के आ जाएगी। अब यहां सुनना मेरी बात, एक आपको सवाल कराता हूं मैं, इसको मैं यहां पढ़ा रहने देता हूं, एक सवाल करवाता हूं। क्वांटिटी 10, पहले प्राइस है ना, प्राइस, प्राइस 10 से बढ़कर कितना हो गया, घटकर 5 हो गया। प्राइस क्या हुआ, 10 रुपए से घटकर 5 हो गया, और क्वांटिटी क्या होगी, 100 से बढ़कर 200 होगी, मान लेते हैं। प्राइस क्या हुआ, 10 से घटकर 5 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हुई, 100 से बढ़कर 200 हो गई। पहले वो 100 खरीदता था, अब वो कितने खरीदेगा, 200 खरीदेगा। तो देखो अब इसको उसमें रखो, देखो डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 100 से 200, 100 से 200 हो गई, कितना परिवर्तन है बताओ, अंतर कितना है 100 का, अंतर कितना है 100 का। प्राइस में कितना अंतर आया, प्राइस, प्राइस में कितना डिफरेंस है, प्राइस में डिफरेंस है आपका 5 का, प्राइस में डिफरेंस 5, क्योंकि 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, अंतर कितना है 5 का। क्वांटिटी में अंतर कितना है 100 का, क्वांटिटी 100 से 200 हो गई, क्वांटिटी में अंतर कितना है 100 का, इंटू में P अपॉन में Q। तो P, पहले P कितना था, पहले P कितना था 10, अपॉन में पहले Q कितना था 100, पहले Q कितना था 100, ये था ना पहले। देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 100 का, 100 लिख दिया। प्राइस में कितना चेंज आया, 5 का, 5 लिख दिया। प्राइस अपॉन में Q, पहले प्राइस कितना था 10 रुपये, पहले क्वांटिटी कितनी थी 100,
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 दुना 10, 5 दुना 10, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है आपकी इस जगह पे। अब देखो आपने आंसर दे दिया, मैंने अभी अभी तक मैं आपको आपको पूछ रहा था क्या कि क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्सटेंशन तो हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 2% के अंदर कितना एक्सटेंशन है इसके अंदर 2 है। ये होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका। एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं, क्या बता देता हूं देखो कि कितने प्रकार की होती है इलास्टिसिटी। एक तो होती है देखो, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बताऊंगा बात, क्योंकि ज्यादा भी काम की भी नहीं है। एक तो होती है ऐसे, कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स कौन सा होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, पता है ना आपको एक्स और वाई। ये होता है क्या, इस पे क्या होती है क्वांटिटी, इस पे क्या होता है प्राइस। और एक होता है ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक आपको पता ही है ये अपना होता ही है, तो उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ दो, ये दोनों देखना क्या है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, एक तो ऐसे बनता है कर्व, एक कर्व बनता है ऐसे, देखना समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये प्राइस है, क्या प्राइस कहीं भी चेंज हुआ क्या, प्राइस वही कांस्टेंट है। देखो अगर 5 रुपए थे यहां, मान लो तो 5 पे ही है वो लाइन, ना तो नीचे गई ना ऊपर गई, वो सिर्फ 5 पे रही है, 5 के ऊपर, कहां रही है 5 के ऊपर। लेकिन क्वांटिटी देखो बढ़ती चली गई, क्वांटिटी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये देखो क्वांटिटी बढ़ती चली गई, पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, ये बढ़ती जा रही है, यानी कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, प्राइस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा और क्वांटिटी में परिवर्तन आ रहा है। प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है, क्वांटिटी में फिर भी परिवर्तन आ रहा है, ऐसा कब होता है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आता और क्वांटिटी में आता है परिवर्तन, ऐसा कब होता है, इनकम में जब क्या है इफेक्ट पड़ता है ना, बताया था मैंने आपको, इनकम बढ़ेगी तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी, बताया था, बताया था। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यों, बताया था ना। अब बताओ क्या प्राइस में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया ना, बाकी छोड़ दो सारा, प्राइस में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। मैं यहां क्या लिख सकता हूं, ये जीरो है, ठीक है ना, क्यों नहीं है ये, ओ नहीं है, जीरो है ये, यहां जीरो है। और आपको पता होगा कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अपॉन में जीरो आएगा, अपॉन में जीरो आता है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं, अपॉन में जीरो आता है तो उसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट, चाहे ये वैल्यू कुछ भी है, डेल्टा क्यू पी क्यू कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन अगर जीरो आ गया, एक जीरो आ गया, तो ये जीरो क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। तो जब प्राइस नहीं बदलता और डिमांड बदलती रहती है तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। इस कंडीशन में क्या होता है ये और सुन लीजिए, कि प्राइस यहां था, प्राइस घट गया, प्राइस घट गया, प्राइस घट गया, क्या डिमांड में कोई फर्क पड़ा, डिमांड बदल नहीं रही, डिमांड नहीं बदल रही, तो आप एक बात बताओ कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी में कितना फर्क आ रहा है, क्वांटिटी के अंदर कितना परिवर्तन है। आप कहोगे सर क्वांटिटी में जीरो परिवर्तन है, तो बेटा जब ऊपर जीरो आती है, नीचे जीरो आएगी तब तो वो इनफाइनाइट होता है, और ऊपर जीरो आती है तो वो सारा क्या हो जाती है, इक्वेशन जीरो हो जाती है। ऊपर ऊपर मतलब न्यूमिरेटर, अंश के अंदर जीरो आती है तो उत्तर भी जीरो होता है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा हो, जब ये कर्व कैसा हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, इस कंडीशन में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। तो बेटा ये होती है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपका काम क्या है, अब आप कुछ एक सवाल कीजिएगा बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी,
बहुत मेहनत की है मैंने, कम से कम 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो हो चुका होगा, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, और अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर हमें अच्छा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अब पक्का मिलेंगे कल अपने इसी समय पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।